नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत। मैं हूँ विनीता मिश्रा। राजधानी पटना में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। दिन दहाड़े अपराधियों ने प्रशासन को खुली चुनौती दी है। आपको बता दें कि अपराधियों ने दिन दहाड़े राजधानी पटना से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। दिन दहाड़े पेट्रोल पंप से 6 लाख रुपए की अपराधियों ने लूट की है। आपको बता दें कि रामकृष्णा नगर का सोनाली पेट्रोल पंप पर अपराधियों ने धावा बोला और वहां 6,86,000 अपराधी लूट कर मौके से फरार हो गए। सिर्फ इतना ही नहीं, जो पेट्रोल पंप के कर्मचारी थे, जब अपराधियों का उन्होंने विरोध किया तो कर्मचारियों को गोली भी मारी गई है। दिन दहाड़े अपराधियों का तांडव इस कदर बढ़ गया है कि एक तो लूटपाट और जब विरोध की जाती है तो विरोध करने पर कर्मी के साथ गोलीबारी की घटना को भी अंजाम दिया गया है। कर्मचारी को गोली भी मारी गई है और मौके से अपराधी लूट की घटना को अंजाम देकर फरार भी हो गए हैं। हालांकि जैसे ही प्रशासन को इस बात की जानकारी लगी, मौके पर पुलिस पहुंची है। तमाम बिंदुओं पर छानबीन की जा रही है, सीसीटीवी खंगाला जा रहा है कि आखिर वो कौन थे और लूटपाट की घटना को अंजाम देकर आखिर कहां फरार हुए। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अजय भारत।